पे आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फराज, मेरे साथ मौजूद है साउथ। जैसे कि आपके भाई ने कहा था कि पाकिस्तान इंडिया से हारने के बाद भी कमबैक कर सकता है, फाइनली वो बात सही साबित हुई। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इंडियन मीडिया बिल्कुल शॉक्ड हो चुका है, इंडियन बड़े बड़े एक्सपर्ट्स शॉक हो चुके हैं कि पाकिस्तान कहां से आ गया। कल तक मैं सुन रहा था सबको, वो कह रहे थे कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, तो ये पाकिस्तान कहां से आ गया। ठीक है, इस हवाले से बात करेंगे। और हम बात करेंगे, आमिर सुहेल ने पाकिस्तान की टीम के लिए मशवरा दिया है, उस हवाले से बात करेंगे। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे हम वीडियो पोस्ट करें नोटिफिकेशन आप तक आए। देखोगे तो जरूर। तो साउथ भाई, कैसा सरप्राइज दिया पाकिस्तान की टीम ने इंडिया को और वर्ल्ड वाइड क्रिकेट फैंस को। फराज, इसको कहते हैं कुदरत का निजाम। ये है कुदरत का निजाम, सबसे बड़ी बात मौजा हुआ ही है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा होगा। आज जो हुआ है ना, यकीन करो मजा आ गया। मैंने तो खाना भी नहीं खाया खुशी के मारे, आपको क्या बताऊं, बहुत खुश हूं मैं। जो खुशी की बात तो है, नो डाउट। देखें, फखर जमान ने भी आज कहा है, फखर जमान ने ट्वीट करके कहा है कि देखा फिर कुदरत का निजाम। मीम्स बन रहे थे ना, सिकलेन मीम्स बन रहे थे भाई। हम तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी, हम भी कह रहे थे कि हम तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी सैलरी ये बातें करने के लिए दे रहे हैं। सही बात है, जमान ने टॉर्च किया उनको। ठीक है, देखा फिर कुदरत का निजाम। हाँ भाई, हमने देख लिया, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब कुदरत का निजाम हमें इतना दिखाओ कि जब 14 नवंबर को पाकिस्तान के लिए, 14 नवंबर, अच्छा जी भाई, मैं समझा सेमीफाइनल का बोल रहे हो आप। 13 नवंबर को फाइनल है, 14 नवंबर को फाइनल की ट्रॉफी लेके पाकिस्तान में आओ और हम एयरपोर्ट जाए, एयरपोर्ट जाए। सही बात है, नई उम्मीद की किरण जागी है। मैं सुन रहा था कल आकाश चोपड़ा को, वो एनालिसिस कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान तो बाहर है, ठीक है, कोई चांस ही नहीं कि अफ्रीका पानी भी पीने देगा, नहीं बिल्कुल बिल्कुल हकीकत बात है। मैं उस वक्त भी, कल भी मैं आपको वीडियो में कह रहा था कि ये पहले से ही खुशियां मना रहे हैं, पहले से ही खुशियां मना रहे हैं, मैच होने दो। फराज, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अफ्रीका आज जीत जाता तो जिस तरह अभी इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराया ना, तो इंडिया अंडर प्रेशर खेलता, क्योंकि उनके लिए ये नॉकआउट मैच बन जाता। हारते तो घर जाते, जीतते तो एडिलेड में रहते। मैंने कहा था कि आपको भाई, देखिए इंडिया की टीम में डिफरेंस जो क्रिएट कर रहे हैं ना, वो सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं। आज भी 15 ओवर में 107 रन थे। सूर्य कुमार यादव को पकड़ लो, इंडिया 161। वो पाकिस्तान के खिलाफ तो वैसे भी नहीं चल पाते। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है और वीकनेस भी है। देखिए, वो तो हम अल्लाह का शुक्र है, हम इंडिया के मैच से पहले सेमीफाइनल में पहुंच गए, सेमीफाइनल में पहुंच गए थे। ऐसा नहीं होता, इंडिया के लिए नॉकआउट मैच होता, जिम्बाब्वे इंडिया को पकड़ लेता। जिस तरीके से कल ये बातें कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था, बात है, ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कि दूसरी टीम आलू टिंडे बेचने आई है। हकीकत बात है यार, खेलने आए हुए इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलने आए हुए, कुछ छोटे मोटे ग्राउंड की टीम नहीं। चलो, ये तो जो भी हुआ हमारे लिए, अल्लाह पाक जो करता है, देखो अल्लाह हक में बेहतरी की है और अल्लाह का जितना हम शुक्र अदा करें उतना कम है कि हमें पाकिस्तान की टीम ने और अल्लाह ताला ने इतनी खुशी से नवाजा। तो इस खुशी में अल्लाह को हमें नहीं भूलना चाहिए फराज, बिल्कुल हमें नहीं भूलना चाहिए। बस अभी जो देखें, आज भी हम बेशक जीते हैं पर उसमें भी गलतियां है, उस पर हम बात करते हैं, हम बात करेंगे इस पर। पाकिस्तान की प्लेयर्स में आपको थोड़ी सी इंटेंट की कमी नजर आ रही है, जिस तरीके से नवाज रन आउट हुए, लेजी नजर आ रहे थे, बिल्कुल ये सब सेमीफाइनल में हमें बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी। फराज, जो आज हमने गलती की ना, सबसे पहले हम बात करेंगे फील्डिंग पे, जो फील्डिंग में हमने 3 कैची ड्रॉप्स किए, 2 रन आउट, तो अगर वो पकड़ लेते या रन आउट हो जाते तो 80-90 पे बांग्लादेश बुक थी। लेकिन अब बात यही है, था नॉकआउट में ये भी, लेकिन छोटी टीम थी सामने बांग्लादेश, जो गिर के उठना नहीं जानती। लेकिन बड़ी टीम होती है, इसकी जगह आप अफ्रीका लगा लो, न्यूजीलैंड लगा लो, एक्स वाई जेड कोई सी भी टीम, तो वो आपको वापसी आने नहीं देती। बहुत कम चांसेस होता है कि कैच छोड़ो आप 3-3 कैच और उसके बाद आप उठो गिर के, बहुत मुश्किल होता है। ये जो हमारी कौम है ना, जीत के बाद मसले मसाइल भूल जाती है। अरे अगर हम अपने मसले मसाइल पे नोट नहीं करेंगे तो हम आगे सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। उसी पे आमिर सुहेल ने भी मशवरा दिया है कि आपको बाबर और रिजवान में से एक को ओपनिंग से हटना पड़ेगा, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि रिजवान को ड्रॉप कर दो भाई, नहीं खेला जा रहा पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं, कोई है, नहीं है। सही बात है, बिहाइंड द सीन में साउथ को यही कह रहा था कि साउथ को समझ में नहीं आ रही थी मेरी बात। मैं कह रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं है, रिजवान को अगर आप ड्रॉप करते हो कर दो, पाकिस्तान फर्स्ट है। अगर रिजवान ड्रॉप होता है तो कौन खेलेगा भाई? फिनचिटर को डालो, आसिफ अली को डाल दो। पहले तो वर्ल्ड कप से पहले हमारा क्या कंसर्न थे कि हमारा मिडिल ऑर्डर बैटिंग नहीं कर रहा, बिल्कुल अब टॉप ऑर्डर नहीं कर रहा, हमारा टॉप ऑर्डर बैटिंग नहीं कर रहा, हमारे मिडिल ऑर्डर्स नहीं रन करके दिए। इंडिया के खिलाफ भी
साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी, और आज भी हमारे मिडिल ऑर्डर ने ही, मिडिल ऑर्डर ने, क्योंकि ओपनरों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कि दिल से अभी मैं क्या बोलूं, लोग 5 बजे से उठे हुए, ये लोग तो बाबर और रिजवान जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे कि यार ये कहीं अपसेट ना कर जाए। नहीं हो जाता जो बात है, ये तो मोहम्मद हारिस की आपको तारीफ करनी है। कंपैरिजन बता रहा हूँ, 2017 में हम अहमद शहजाद से ओपनिंग करवा रहे थे, ठीक है, सरफराज अहमद ने अहमद शहजाद को ड्रॉप किया, फखर जमान को डाला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और फखर जमान ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके बैटिंग करी, पाकिस्तान की टीम में एक नई जान डाली, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। सेम रिपीट कहानी ये चल रही है, फखर जमान बाहर हुए, हारिस को टीम में डाला अगेंस्ट अफ्रीका, उसने थोड़े से अपने करंट दिखाए और आज उसने पाकिस्तान को मैच जितवाया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है, और जो बन रहे हैं ना रिजल्ट्स 1992 सबसे मजेदार 1992 का बिल्कुल सीन बन रहा है। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच जिम्बाब्वे से हारा था, ऑस्ट्रेलिया राउंड में बाहर हो गया था, सेमीफाइनल में भी नहीं गया था, वही हो गया। लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ सेमीफाइनलिस्ट में इंडिया है, उस वक्त अफ्रीका थी, लेकिन पाकिस्तान सेमीफाइनल उस वक्त भी न्यूजीलैंड से खेल रहा था, और अगर जीतता है पाकिस्तान और वहां से इंग्लैंड तो फिर सेम ये रिपीट हो जाएगी कहानी। मैं एक इक्वेशन बताऊं, एक इसमें जो कहानी बन रही है ना, पाकिस्तान और इंडिया का जब 92 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हुआ था, तो तब इंजमामुल हक बहुत यंग थे, तो इंजमामुल हक को टीम में लेने के हक में कोई भी नहीं था, ठीक है। तो इमरान खान ने इंजमामुल हक को खिलाया था, और इंजमामुल हक के बकौल कि मैं उससे पहले वाले मैच में एक गलत शॉट मार के आउट हो गया था, डर रहा था, मैं छुप रहा था, तो बिल्कुल मेरी सीट कप्तान के बराबर में आ गई। कप्तान ने मुझे कहा कि इंजी तूने क्या चौका मारा था, पहले तो वो डर गए थे, पर इमरान खान ने ऐसा कॉन्फिडेंस दिया, तो जो सिनेरियो इंजमामुल हक पाकिस्तान के लिए चौका नहीं मारता, उस बॉल पे आउट हुए थे, शॉट ऐसा मारा था, तो उनसे उसको कॉन्फिडेंस मिला था, ठीक है। फिर उसके अब जो पाकिस्तान में हारिस आए पाकिस्तान की टीम में, सेम कहानी बन रही है, सेम तरीके से अफ्रीका बाहर हुआ था 92 के वर्ल्ड कप में, इसी तरीके से पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल हुआ था, रन रेट की कहानी पे आके एंड टाइम पे हम पता नहीं था कि हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं, पर हम सेमीफाइनल पहुंचे, न्यूजीलैंड से हमारा मैच हुआ, इंजमामुल हक नए थे, इंजमामुल हक ने पाकिस्तान के लिए मैच फिनिश किया। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि मोहम्मद हारिस पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पाकिस्तान की लाइन पार करवाएंगे? और एक अच्छी बात यह है कि बाबर ने अभी उसको यही बोला है मोहम्मद हारिस को, कि जब आप फिनिश करके आओगे ना, ऐसे वक्त पे आउट नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है, जब आप फिनिश करके आओगे ना आपका कॉन्फिडेंस और हाई हो जाएगा, नेक्स्ट मैच में आप उससे अच्छा करोगे, बहुत अलग तरीके की क्रिकेट खेलोगे। आज जिस तरीके से उसने सिंगल डबल किया ना, ऐसा लगता था पिछले मैच में कि वो सिंगल डबल करना जानता नहीं है, नहीं आज लेकिन नहीं, सेंसिबल प्लेयर है, क्लास का प्लेयर है, मारने की जगह पे मारे भी, सिंगल की जगह सिंगल किया, डबल की जगह डबल किया, बहुत अच्छी बैटिंग की। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल फाइनल में पाकिस्तान के लिए वही काम करेंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए फखर जमान ने किया था। बिल्कुल कहता हूँ कि अगर ड्रॉप करना पड़े रिजवान को तो कर दो, बेशक कर दो, पाकिस्तान से बढ़ के कोई नहीं है, हमें प्लेयर्स की रैंकिंग नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान की टीम के लिए, जाहिर सी बात है फराज आपका शान मकसूद नंबर 4 पे आके थोड़ी खेल सकता है, उस वक्त आपको वो हिटर चाहिए जैसे शदाब नवाज जैसा कि 10 बोलों पे 20-25 मार दे। अब नंबर 4 पे आप, जाहिर सी बात है जब बाबर रिजवान अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे तो नंबर 4 पे, तो अब जाहिर सी बात है मोहम्मद हारिस नंबर 3 पे फिक्स हो जाएंगे उम्मीद करते, लेकिन नंबर 4 पे शान मकसूद थोड़ी खेलेंगे। आज तो उन्होंने, चलो उम्मीद नहीं थी मुझे, ये भी मुझे थोड़ा गलत फैसला लगा कि आप नंबर चार पे भेजा था, पाँच पे भेजा था, शान मकसूद को उस वक्त नहीं भेजना चाहिए था, शायद इफ्ती को भेज देते चाचू को, ठीक है। कभी कभार गलत फैसले भी सही हो जाते हैं और सही फैसले भी गलत हो जाते हैं क्रिकेट, लेकिन छोटा टोटल था, देखो फराज छोटा टोटल था, इतना रन नहीं था जब वो आए थे भाई, जिस तरीके से पाकिस्तान ने 10 ओवर में बैटिंग की थी ना, यही इंग्लैंड होती इंडिया होती ना, हमें वापस उठने नहीं देती, ऐसी कोई सिचुएशन थी जो बात है, नींद आने लग गई थी क्योंकि सुबह से जाग के मैच देख रहे थे, और जिस तरीके से हमारे ओपनर बैटिंग कर रहे थे तो वाकई में ही नींद आने लग गई। देखो मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया था, जब तक पाकिस्तान जीता नहीं है ना तो अलग से कैसे उतरता, इनकी टुक टुक 5 ओवर पावर प्ले, आप 35 रन बना रहे हो, कोई विकेट नहीं है, टुक 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 टुक, क्या है यार ये, आप T20 खेल लो, बोल रहा हूँ आप T20 खेल लो या ODI खेल लो, देखो पावर प्ले मैं बताता हूँ फराज, ठीक है पिच थोड़ी हार्ड थी, मुश्किल थी, लेकिन पावर प्ले में आपके पूरी पूरी बल्ले पे आ रही थी, यही बांग्लादेश का हुआ है, उनके भी ओपनर तो खेल रहे तो यही तो बोल रहा हूँ, यही बांग्लादेश का हो, उन्होंने फायदा उठाया है, हमने फायदा नहीं उठाया, अगर यही पावर प्ले में हमारे 45-50 रन होते ना तो हम और जल्दी फिनिश कर सकते थे। चले अगर पाकिस्तान
सेमीफाइनल में सिडनी में इंशाल्लाह बैटिंग ट्रैक्स होंगे वहां पे, न्यूजीलैंड अच्छा किया, तो आप क्या पाकिस्तान को सजेस्ट करोगे टॉस जीते के तो क्या करना चाहिए? पहले बैटिंग ही करे अगर टॉस जीतते तो, लेकिन बाबर का नसीब ऐसा है कि बड़े मैचों में टॉस हार रहे और अभी तक 5 मैच खेले बाबर ने, ठीक है, इस वर्ल्ड कप में 4 टॉस हारे, तो उम्मीद करते सेमीफाइनल में जीते और पहले बैटिंग करे। अब सिडनी में हमें पता है क्या एक चांस है कि चेस हो सकता है, वहाँ चेस हो जाएगा, एडिलेड में होता ना तो बहुत मुश्किल है चेस होना, 150 बना लिए 100, मैं इंडियन कमेंट्री सुन रहा था नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका, उन्होंने लगा नीदरलैंड ने बना लिया 160 और ये पाकिस्तान की कौम दुआ कर रही होगी, तो यहाँ चेस नहीं हो सकता और वो ही हुआ, 160 चेस नहीं हुआ, 130 में हम फंस गए। कुछ भी कहो पाकिस्तान पाकिस्तानियों की दुआओं में बहुत असर है, आज जिस तरीके से नीदरलैंड ने फील्डिंग की बिल्कुल आउटस्टैंडिंग था, यकीन नहीं आ रहा था कि ये नीदरलैंड की टीम है, बिल्कुल होता है अच्छा होता है, यही कुदरत का निज़ाम है, हम मान लेते हैं सिकलैंड मुश्ताक साहब की बात कि कुदरत का निज़ाम यही है, हम यही है बिल्कुल है। क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे हम वीडियो पोस्ट करें नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अल्लाह हाफिज़।